नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लच के भाग दो पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, क्लच काम करता है घर्षण की सहायता से, दाब की सहायता से, प्रतिबल की सहायता से या फिर पृष्ठ तनाव की सहायता से। तो क्लच कैसे काम करता है हमारा? घर्षण की सहायता से। अगला प्रश्न है, दो पहियों वाली गाड़ियों में कौन सा क्लच प्रयोग होता है? सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, वैक्यूम क्लच या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो दो पहिये वाली गाड़ियों में कौन से क्लच का प्रयोग किया जाता है? मल्टी प्लेट क्लच का। तीसरा प्रश्न है, बस ट्रकों में कौन सा क्लच प्रयोग होता है? सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, वैक्यूम क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो बस तथा ट्रकों आदि भारी वाहनों में कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? सिंगल प्लेट क्लच का, जबकि दो पहिए वाले में कौन सा करते हैं? मल्टी प्लेट क्लच का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर प्लेट लगा होता है क्लच प्लेट में, टर्बाइन में, फ्लाई व्हील में या फिर कवर में। प्रेशर प्लेट कहाँ लगा होता है आपका? कवर में। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, क्लच हमेशा इंजन के साथ रहता है, इंगेज, डिसंगेज, पैदल पैडल दबाने पर एंगेज होता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्लच हमेशा इंजन के साथ इंगेज रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घर्षण क्लच यानी कि फ्रिक्शन क्लच नहीं है? डिस्क क्लच, द्रव क्लच, कोण क्लच या फिर अभिकेंद्र क्लच। तो घर्षण क्लच कौन सा नहीं है? द्रव क्लच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पॉजिटिव क्लच कहते हैं? डॉग क्लच, कोण क्लच, सिंगल प्लेट क्लच या फिर अभिकेंद्र क्लच। तो पॉजिटिव क्लच हम लोग किसको कहते हैं? डॉग क्लच को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सिंक्रोमेस गियर में किया जाता है? कोण क्लच का, डिस्क क्लच का, अभिकेंद्र क्लच का या फिर डॉग क्लच का। तो सिंक्रोमेस गियर में हम लोग जिस क्लच का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं डॉग क्लच। अगला प्रश्न है, डिस्क क्लच में घर्षण प्लेट किस भांति कार्य करता है? ड्राइविंग मेंबर, ड्रिविन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डिस्क क्लच में जो होता है घर्षण प्लेट हमारा एज ए ड्रिविन मेंबर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑटोमेटिक क्लच है? कोण क्लच, डिस्क क्लच, अभिकेंद्र क्लच या फिर ये सभी। तो ऑटोमेटिक क्लच हम लोग इसको बोलते हैं अभिकेंद्र क्लच को। अगला है, क्लच और घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट से जुड़ी रहती है रिवेट के द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा, बोल्ट द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो क्लच और घर्षण लाइनिंग क्लच प्लेट से कैसे जुड़ते हैं हमारे? रिवेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंगल डिस्क डायफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग होता है फ्रंट व्हील में, रियर व्हील में, इन दोनों में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंगल डिस्क डायफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फ्रंट व्हील में। अगला प्रश्न है, कोण क्लच का प्रयोग होता है ट्रांसफर केस में, ओवरड्राइव में, गियरबॉक्स में या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोण क्लच का प्रयोग हम लोग ट्रांसफर केस में करते हैं। अगला प्रश्न है, डायफ्राम स्प्रिंग लगा रहता है फ्लाई व्हील के साथ, प्रेशर प्लेट के साथ, क्लच प्लेट के साथ या फिर इन सभी के साथ। तो डायफ्राम स्प्रिंग कहाँ लगा होता है हमारा? प्रेशर प्लेट के साथ। अगला प्रश्न है, डायफ्राम स्प्रिंग का कार्य है क्लच इंगेज करने में, क्लच डिसंगेज करने में, गियर लगाने में या फिर ये सभी। तो डायफ्राम स्प्रिंग क्या करता है हमारा? क्लच को डिसंगेज करने में हमारी सहायता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैम्पर स्प्रिंग का कार्य है कंपन को कम करना, जर्की स्टार्ट में, टॉर्क अधिक करना या फिर ये सभी। तो डैम्पर स्प्रिंग क्या करते हैं? कंपन को कम करते हैं। अगला है, ओवरहॉलिंग करने से मशीन का क्या फायदा होता है ये बताना है आपको। जीवन बढ़ता है, एक्यूरेसी बनी रहती है, जंग नहीं लगता है या इनमें से सभी। तो ओवरहॉलिंग क्यों करते हैं मशीन की हम लोग? ताकि इसमें जीवन बढ़े, उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे और उसमें जंग भी ना लगे, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मशीनों के टेबल की लेबलिंग निम्न के द्वारा चेक की जाती है
मशीन के टेबल अवेलेबल में है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डायल गेज का। अगला प्रश्न है, लेथ बेड की स्क्रैपिंग करते समय उसे चेक करने के लिए का प्रयोग करेंगे, डायल गेज का, स्ट्रेट एज का, स्पिरिट लेवल का, या इनमें से सभी। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे इसमें स्ट्रेट एज का। अगला प्रश्न है, मशीनों की स्थापना करते समय उनकी लेवलिंग के द्वारा की जाती है। मशीनों की इस टाइम स्थापना होती है उस टाइम पर उनकी लेवलिंग किसके द्वारा करते हैं हम लोग, स्पिरिट लेवल के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, डायनामिक मशीन टेस्ट मशीन पर देखा जाता है, जॉब बनाकर, लटकाकर, पैकिंग खोलकर, सबसे अंत में। तो डायनामिक मशीन टेस्ट मशीन पर कह देखते हैं हम लोग, जॉब बनाकर अर्थात कार्य करके। अगला प्रश्न, मशीन शाफ्ट को एक सीध में बांधने को कहते हैं, ट्रेंग, अलाइनमेंट, शुद्धता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मशीन शाफ्ट को एक सीध में बांधने को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, मशीन पार्टों को खोलते समय लगाकर रखना चाहिए, नंबर, निशान, क्रमबद्ध, उपयुक्त, सभी। तो जब मशीन पार्ट खोले आते हैं तो उसमें हम लोग या तो नंबरिंग कर दो आप, या निशान लगा दें कुछ, या उनको एक क्रम से रखें, क्या मतलब हुआ फिर, उपयुक्त, सभी। अगला प्रश्न, जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है उसे फिट किया जाता है, शुरू में, अंत में, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पार्ट आप सबसे पहले खोलेंगे उसका उसको कहाँ फिट करेंगे, अंत में करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निरंतर उत्पाद बनाए रखने के लिए मशीन की जरूरी है, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, या फिर मरम्मत। तो निरंतर उत्पाद बनाए रखने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। अगला प्रश्न, मशीनों की प्रतिदिन की जाने वाली देखभाल को कहते हैं, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, या उपयुक्त, सभी। तो प्रतिदिन देखभाल करने को क्या बोलेंगे हम लोग, रूटीन मेंटेनेंस। अगला प्रश्न है, मशीन टूल्स में हाइड्रोलिक का निम्न में से कौन सा लाभ है, मशीन की कटिंग स्पीड व प्रेशर बराबर होता है, मशीन स्मूथ चलती है, मशीन को चरण रहित यानी कि स्टेपलेस गति मिलती है, और उपयुक्त, सभी। तो मशीन टूल्स में हाइड्रोलिक का फायदा क्या होता है, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मशीन टूल्स में हाइड्रोलिक का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है, ऊपर देखा कौन सा लाभ है, यहाँ देखेंगे कौन सा लाभ नहीं है। दुर्घटना से बचा जा सकता है, इसका नियंत्रण आसान है, ओवरलोड की स्थिति में रिलीफ वाल्व के खुलने से तेल प्रेशर बाहर निकल जाता है, या फिर धातु कटाई क्रिया एक समान नहीं होती है। तो कौन सा लाभ नहीं है, तो यह धातु कटाई क्रिया एक समान नहीं होती है। अगला देखते हैं, निम्न में से हाइड्रोलिक यंत्रावली में किस भाग का उपयोग किया जाता है, पिस्टन का, सिलेंडर का, वाल्व चैम्बर का, या इनमें से सभी। तो हाइड्रोलिक यंत्रावली में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, पिस्टन का भी करते हैं, सिलेंडर का भी करते हैं, वाल्व चैम्बर का भी करते हैं, अर्थात ये सभी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक यंत्रावली में निम्न में से कौन सा भाग प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑयल टैंक, रिलीफ वाल्व, ऑयल पंप, या फिर कटिंग टूल। तो हाइड्रोलिक यंत्रावली में ऑयल टैंक यूज होता है, रिलीफ वाल्व भी यूज होता है, ऑयल पंप का भी इस्तेमाल होता है, कटिंग टूल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वो टूल है तो उसका क्या काम उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से हाइड्रोलिक यंत्रावली का प्रयोग किस मशीन टूल में किया जाता है, शेपर मशीन में, पावर सा में, स्लाटर मशीन में, या इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं, निम्न में से क्लच का कौन सा प्रकार है, पॉजिटिव क्लच, घर्षण क्लच, चुंबकीय क्लच, या इनमें से सभी। तो क्लच के प्रकार कौन सा है, पॉजिटिव क्लच भी है, घर्षण क्लच भी है, चुंबकीय क्लच भी है, अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्लच का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, चार प्रकार, पांच प्रकार, छह प्रकार, या फिर सात प्रकार। तो क्लच का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, छह प्रकार से। अगला प्रश्न है, पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्लच आते हैं, स्ट्रेट क्लच, एंगुलर क्लच, उपयुक्त ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत हमारे स्ट्रेट क्लच भी आते हैं और एंगुलर क्लच भी आते हैं, अर्थात ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, घर्षण क्लच के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्लच आते हैं? कोनिकल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, उपयुक्त ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो घर्षण क्लच के अंतर्गत कौन से क्लच आते हैं हमारे? कोनिकल भी आते हैं और मल्टीप्लेट क्लच भी आते हैं, अर्थात उपयुक्त ए और बी दोनों। अभी ऊपर हमने देखा था कि पॉजिटिव क्लच के अंतर्गत कौन से आते थे? स्ट्रेट क्लच भी और एंगुलर क्लच भी। और घर्षण क्लच में कौन से आएंगे? कॉनिकल क्लच और मल्टीप्लेट क्लच। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लच और कपलिंग में निम्न में से मुख्य अंतर क्या है? क्लच को खिसकाया जा सकता है जबकि कपलिंग को खिसकाया नहीं जा सकता। क्लच को खिसकाया नहीं जा सकता, गलत है। क्लच का प्रयोग ऑटोमोबाइल नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्लच और कपलिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, हाँ ये तो सही है। मुख्य अंतर क्या है? लेकिन अंतर क्या होगा? तो क्लच को खिसका सकते हैं और कपलिंग को खिसकाया नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंगुलर क्लच का निम्न में से कौन सा लाभ है? एंगुलर क्लच कौन सी होती है? पॉजिटिव क्लच, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए कौन सा लाभ है? अधिक लोड पड़ने पर यह अलग होता है, अधिक लोड पड़ने पर यह अलग नहीं होता, मशीन को कोई हानि नहीं होती, या फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो लाभ कौन सा है कि अधिक लोड पड़ने पर भी यह अलग नहीं हो, यह अलग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से स्ट्रेट क्लच का कौन सा लाभ नहीं है? तो अधिक लोड पड़ने पर इसके जौ खराब हो जाते हैं, इस क्लच को स्थिर अवस्था में एंगेज किया जाता है, इस क्लच को क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है, इसका प्रयोग कम लोड वाली मशीनों में किया जाता है। बताना है कौन सा लाभ नहीं है। तो अधिक लोड पड़ने पर इसके जौ खराब हो जाते हैं, ये गलत लिखा है, ठीक है। और देखते हैं, फ्लूइड को स्टोरेज करने वाले स्पेस को कहते हैं पंप, प्लग, रिजर्वायर या फिर स्टेनर। तो फ्लूइड स्टोरेज कहाँ पर होता है हमारा? रिजर्वायर में। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक का संबंध ऐसे सिस्टमों से है जिन्हें के द्वारा चलाया जाता है, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, तेल के द्वारा या फिर सॉलिड के द्वारा। तो न्यूमेटिक कौन होते हैं जो कि हवा के द्वारा चलाए जाए। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्न में से कौन सा एक्चुएटर का प्रयोग होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्न से कौन सा एक्चुएटर का प्रकार है? सिलेंडर, वाल्व, पंप या फिर स्ट्रेनर। तो कौन सा प्रकार है इसमें? सिलेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम में हवा का प्रयोग करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप ये देख लीजिए कि सत्य कौन से हैं। हवा विस्फोटक होती है, हवा विस्फोटक तो नहीं होती। अगला, हवा हर जगह होती है, बिल्कुल सही है। हवा को वापसी लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। हवा प्रदूषण नहीं फैलाती है, ये भी सही है। तो कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पहला वाला, नहीं, इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा न्यूमेटिक सिस्टम का लाभ है? उत्पादन को बढ़ाना, कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण, कम खर्च करने वाली लेआउट के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो न्यूमेटिक सिस्टम में फायदा क्या होता है? इससे उत्पादन बढ़ता है, कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है और कम खर्च करने वाले लेआउट का निर्माण भी होता है। सही होगा फिर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक सिस्टम में सेंसर निम्न में से क्या कार्य करता है? स्टोरेज का कार्य, कंट्रोल का कार्य, फीडबैक का कार्य या फिर ट्रांसमिशन का कार्य। तो न्यूमेटिक सिस्टम में सेंसर फीडबैक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक सिस्टम में सिलेंडर का साइज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, पिस्टन के व्यास के द्वारा, स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा, मशीन के साइज के द्वारा या उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि पिस्टन का व्यास के द्वारा भी और स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा भी। सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक न्यूमेटिक सिस्टम में पावर निम्न में से किसका स्रोत होता है? कंप्रेसर का, मफलर का, एयर रिसीवर का या फिर वाल्व का। तो न्यूमेटिक सिस्टम में पावर किसका स्रोत होता है? कंप्रेसर का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य है पावर को ट्रांसफर करना, मशीन को चलाना, अशुद्धियों को दूर करना, कटिंग टूल की लाइफ बढ़ाना। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा? पावर को ट्रांसफर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर प्रेशर को कंट्रोल करने का निम्न में से कौन सा मुख्य साधन है?
प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, सीक्वेंस वाल्व या उपरोक्त सभी। तो एयर प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के द्वारा या प्रेशर लिमिटिंग वाल्व के द्वारा और सीक्वेंस वाल्व के द्वारा अर्थात उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेशर की एसआई इकाई क्या है, पास्कल जिसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं, या न्यूटन प्रति वर्ग गज, आयतन प्रति घन सेंटीमीटर या उनमें से कोई नहीं। तो दाब की इकाई कौन सी होती है, पास्कल। अगला प्रश्न देखते हैं, मशीनों के दैनिक रखरखाव को कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या फिर समयबद्ध मेंटेनेंस। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, मशीन के दैनिक रखरखाव क्या बोलते हैं हम लोग, रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।